नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल। मैं हूं धनंजय। दिल्ली के बहुत सारे यूपीएससी सिविल सर्विसेज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में से एक श्रीराम आईएएस, इसके ऊपर रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने 3 लाख का पेनल्टी इम्पोज किया है और इसके पीछे का वजह था मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। यानी कि श्रीराम आईएएस ने अपने एडवर्टीजमेंट में वो भी क्लेम किया जो कभी श्रीराम आईएएस एज एन कोचिंग अचीव ही नहीं किया था, और खुद से ये अपने एडवर्टीजमेंट में भारत का नंबर 1 आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट भी डिक्लेयर करता है। हालांकि जहां तक बात किया जाए मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो ये काम बस श्रीराम आईएएस ही नहीं करता है बल्कि जितने लोग भी फेमिलियर हैं ओल्ड राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर से, उस पूरे एरिया में शायद ही कोई ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट होगा जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। जो श्रीराम आईएएस के द्वारा दावा किया जा रहा था वो ये था कि इनके कोचिंग से 200 से भी अधिक कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, जहां पर नॉर्मली हर साल यूपीएससी सिविल सर्विसेज जो अपना वैकेंसी निकालता है वो सम अराउंड 800 के आसपास रहता है, जहां पे इनका दावा था कि 200 से ऊपर इनके कोचिंग से ही कैंडिडेट्स पास हुए हैं। और ये जो एक्शन लिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा, ये बहुत ही लेट एक्शन लिया गया है, और जो फाइन इनके ऊपर इम्पोज किया गया है 3 लाख, ये भी जो फाइन है ये इनके सामने एक राय का दाना के बराबर से भी कम है। अगर कोई भी कोचिंग 200 या उससे अधिक एस्पिरेंट्स को दिखाता है कि उनके कोचिंग से पास हुआ, तो जो लोकल अथॉरिटी होते हैं क्या ये खबर उनको नहीं मालूम पड़ता है? तो डेफिनेटली उनको भी ये सारी चीज मालूम होता है, लेकिन हम इंतजार करते हैं कि कोई हादसा हो जाए और 3-4 दिन तक प्रोटेस्ट हो और उस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए कुछ 1-2 एक्शंस ले लिए जाएं और उसके बाद जो चीज है वो नॉर्मल अपने फ्लो में चलना शुरू हो जाए। और जहां तक बात किया जाए भारत में कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, तो कंज्यूमर को कितना प्रोटेक्शन मिलता है ये कहने की बात नहीं है। खुले आम मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दिया जाता है और जो लोकल अथॉरिटीज होते हैं वो चुपचाप खामोश होकर चीजों को देखते रहते हैं। जहां तक बात किया जाए कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने किस चीज को बेस बना के श्रीराम आईएएस के ऊपर 3 लाख का पेनल्टी इम्पोज किया, तो उसके पीछे 2 चीजें हैं। एक तो 200 से प्लस इन्होंने जो दिखाया कि इनके कोचिंग से लोग पास हुए हैं, और दूसरा ये जो अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर कर दिए हैं कि ये भारत का नंबर 1 प्रेस्टिजियस यूपीएससी सिविल सर्विसेज का इंस्टीट्यूट है। ये सब जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं वो उन सब बच्चों का भी क्लेम ले लेते हैं जो इनके पास किसी भी तरीके से 1 या 2 सब्जेक्ट भी पढ़ने आया हो, या इनफैक्ट अगर आप किसी भी तरीके से अगर आप एनरोल भी कर लेते हैं इनके पास और किसी कारण से अगर आप इनके क्लास को अटेंड भी नहीं करते हैं, उसके बाद भी ये सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट आपका नाम का इस्तेमाल करते हैं और बिना आपके परमिशन का। जब मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने श्रीराम आईएएस से कॉन्टैक्ट किया और 200 बच्चों का जो क्लेम किया जा रहा था उनका जब डिटेल्स मांगा गया, तो श्रीराम आईएएस सिर्फ उनको 171 कैंडिडेट्स का ही उनको लिस्ट दे पाते हैं, जिसमें आपको जान के हैरानी होगी कि 102 तो वैसे कैंडिडेट्स थे जो इनके पास सिर्फ फ्री का जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम होता है वो लेने के लिए गए थे या उसमें किसी भी तरीके से ज्वाइन किए थे। आई एम श्योर कि YouTube पे आप लोगों ने देखा होगा कितनी बार कि एक एस्पिरेंट इंटरव्यू दे रहा हो, जिसको नॉर्मली हम मॉक इंटरव्यू कहते हैं, तो 171 जो कैंडिडेट्स का क्लेम किया जा रहा था उसमें से 102 तो वो लोग थे जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके कोचिंग में आए थे सिर्फ गाइडेंस लेने के लिए या तो सिर्फ मॉक इंटरव्यू देने के लिए। उसके बाद 55 ऐसे कैंडिडेट्स थे जो सिर्फ आपका जो फ्री इनिशिएटिव था यानी कि जो टेस्ट सीरीज था उसको देने के लिए आए थे, और वो भी इसलिए आए थे क्योंकि वो जो टेस्ट सीरीज था वो फ्री था। सिर्फ 9 ऐसे कैंडिडेट्स थे जो किसी भी तरीके से श्रीराम आईएएस का जो क्लासरूम प्रोग्राम है उसको लिए थे, और 5 वैसे कैंडिडेट्स थे जो अलग अलग स्टेट्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, जिसके तहत किसी भी तरीके से अगर कैंडिडेट इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं या किसी भी तरीके से वो डिप्राइव्ड क्लास से आते हैं तो उनको एडमिशन दिया जाता है, और ये सब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स उसको कुछ इस तरीके से दिखाते हैं जैसे कि ये कितना बड़ा काम कर रहे हैं। तो अगर आप लमसम अगर आप समझना चाहेंगे तो इनका ये जो क्लेम था कि 200 से भी अधिक बच्चे इनके पास से पास हुए हैं वो सम अराउंड 9 कैंडिडेट्स के आसपास में है, और इस पूरे आर्टिकल में ये नहीं मालूम कि ये जो 9 स्टूडेंट्स इनके पास से पास हुए हैं क्या वो करंट ईयर से पास हुए हैं या वो 2-3 साल पहले ही कोचिंग छोड़ दिए थे। तो आपके हमारे लिए ये सब जानना बेहद जरूरी है कि जब कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट इतना बड़ा क्लेम करता है तो उस क्लेम के बारे में हम थोड़ा सा पड़ताल करें। लेकिन रियलिटी ये भी है कि जब आप इन सब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं एडमिशन लेने के लिए तो आपके पास उतना स्पेस नहीं होता है जहां पे आप इनसे सवाल जवाब कर सकें। उसके बाद क्या है ना कि जितना रिस्पॉन्सिबल कोचिंग इंस्टीट्यूट है उतना ही रिस्पॉन्सिबल यूपीएससी भी है। अगर आप यूपीएससी को कोई फीडबैक देंगे या किसी भी तरीके से अगर आप यूपीएससी का कैरिकुलम के ऊपर अगर आप
सवाल उठाते हैं तो वो इनफैक्ट फीडबैक भी नहीं लेना चाहते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है यूपीएससी में, जो कि एक बहुत ही बड़ा रीजन है कि क्यों बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन करते हैं। और उसके बाद जो गाइडेंस प्रोग्राम होता है या जो मॉक इंटरव्यूज वगैरह होता है, उसमें जो पैनल बैठे होते हैं वो भी किसी तरीके से यूपीएससी से कनेक्टेड होते हैं, यानी कि वो लोग रिटायर्ड मेंबर्स होते हैं। और कहने की जरूरत नहीं है या याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से दिल्ली या खास करके उन सब रीजन्स में जहां पे स्टूडेंट्स काफी है वहां पे रेंट कितना हाई है। एक एस्पिरेंट को सुसाइड इसलिए करना पड़ गया क्योंकि वो 3 बार से प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पा रही थी और उसके बाद जो रहने का एक्सपेंस था वो टू मच हो गया था। एक माचिस के डिब्बी के बराबर आपको रूम मिलता है जिसका कीमत लगभग 20,000 रुपए के आसपास होता है और वो मकान मालिक भी इतना रूड होता है कि आप अपनी बात को उनके सामने रख भी ना सकें। और उसके बाद आप जब रेंट देते हैं तो वो किसी भी तरीके से आपको कोई रिसीविंग नहीं देता, यानी कि टैक्स का चोरी करता है। और ये सारे चीज हो रहे हैं आपके दिल्ली में, तो ये मान पाना इम्पॉसिबल है कि इसके बारे में जो एमसीडी है या सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट है उनको इन सब चीजों के बारे में नहीं मालूम। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।